शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक वो थी, और एक बैठक यह है भारत के स्वागत में पाकिस्तान किस तरह से बीत गया है तस्वीरें बता रही है। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री के स्वागत में रेड कारपेट बिछा दिया, फूल का गुलदस्ता भी दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने हाथ मिलाया और गाड़ी की तरफ जयशंकर को रेड कारपेट पर वॉक कराते ले गए। और इन सब के बीच विदेश मंत्री का सोच साफ बता रहा था कि भारत यहाँ बस औपचारिकताओं को पूरा करने ही आया है। जबरदस्त स्वैग और अपने ऑल टाइम कॉन्फिडेंस के साथ जयशंकर जबरदस्त छा रहे थे, और उस पर से उनका पॉकेट से अपने गॉगल्स को निकालना और पहनना पाकिस्तान को खूब जला रहा था। पाकिस्तान ने इस वेलकम को सादा दिखाने के लिए खूब कोशिश की, लेकिन यह भी पाकिस्तान बुरी तरह से फेल हो गया और वह यह भी भारत को मैच नहीं कर पाया। चीनी प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर तोप की सलामी देकर पाकिस्तान को लगा कि वह भारत को बेइज्जत करेगा। भारतीय विदेश मंत्री के स्वागत में एक दो अधिकारियों को भेजकर पाकिस्तान को लगा कि वह भारत को बेइज्जत कर लेगा, लेकिन हर बार की तरह वह यह भी भारत से कम और पीछे रह गया। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो चलिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तारीख थी 4 मई 2023। भारत की सरजमी पर पाकिस्तान का प्लेन लैंड किया। प्लेन से उनके तब के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो उतरे थे, मुस्कुराते हुए आ रहे थे। सोचा था कि भारत से बात करेंगे, बातचीत के लिए भारत को मना लेंगे, लेकिन वो एयरपोर्ट पर ही समझ गए कि भारत कितना अपनी जुबान का पक्का है। ना ही उनके स्वागत पर रेड कारपेट था और ना ही कोई मंत्री और फूल का कोई गुलदस्ता भी नहीं था, और ना ही था कोई वायुसेना का अधिकारी। अपने साथ लाए अधिकारियों के साथ ही फोटो खिंचवा कर बिलावल भुट्टो ने अपने मन को बहला लिया और पाकिस्तान के लिए वापस रवाना ले लिए। वहीं भारत के स्वागत के लिए पाकिस्तान वायुसेना का अधिकारी भी पहुंचा था। रेड कारपेट भी बिछाया गया था और फूलों के गुलदस्ते से स्वागत भी हुआ। पाकिस्तान उतना भी कामयाब नहीं हो पाया। तस्वीरें बता रही है कि भारत का रुख आतंक परस्त देश के लिए कैसा है। भारत का स्वैग और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की धरती पर उतना ही मजबूत था जितना मजबूत भारत में हुई शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के दौरान था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत से बेइज्जत होकर लौटे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान को एक बार फिर से बेइज्जत करके लौटेगा, यह तो पक्की है। रिपोर्ट NSS न्यूज। और ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।